राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं हूँ प्रीति माहेश्वरी और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और कैसे हैं आप सभी? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी अपने घरों में खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप सभी अपने घरों में खुश रहें, स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें और नियमों का पालन करते रहें और अपना और अपने परिवार का इस महामारी से इसी तरह से बचाव करते रहें। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो आज मैं आपके साथ क्या शेयर करने वाली हूँ ये आपको नजर आ ही रहा है। आज मैं आपके साथ इस वीडियो में बहुत ही प्यारा सा, देखिए बहुत ही खूबसूरत सा ये थालपोस जो है आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये डिजाइन बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत है और ये किसी भी कलर कॉम्बिनेशन में बहुत ही प्यारा लगता है। जब भी आप इसको कहीं भी इस्तेमाल करेंगे तो देखिए सभी आपसे जरूर पूछने वाले हैं कि आपने इसे कहाँ से लिए या आपने इसे कैसे बनाया। और इसे बनाना जो है बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। मैंने इसका मेजरमेंट जो है वीडियो में आपको बहुत ही अच्छे से समझाया है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, ध्यान से देखें तो आपको कहीं भी इस थालपोस को जो है बनाने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और देखें, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी अब आप सभी से जो है एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हों, अगर आपको मेरे डिजाइन अच्छे लग रहे हों तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उसके साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस जरूर करें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको जो है सबसे पहले मिले। और अगर आपको मेरे डिजाइन पसंद आ रहे हो तो अपना एक एक लाइक जो है जरूर देना और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना कि आपको ये थालपोस, ये डिजाइन कैसा लगा। तो चलिए अब हम वीडियो को जो है शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस थालपोस को हमें कैसे बनाकर कंप्लीट करना है। तो इस थालपोस को बनाने के लिए सबसे पहले तो देखिए हम ऊन को लेकर यहाँ पर एक इस तरह से सर्कल लेंगे। सर्कल लेने के बाद यहाँ पर इस तरह से कनेक्ट करेंगे, उसके बाद धागे को बड़ा करेंगे और उसके बाद यहाँ पर एक पफ बनाएंगे। एक, दो, तीन, और तीन बार पफ बनाने के बाद धागे को होल्ड करेंगे, सब में से निकालेंगे, होल्ड करे हुए धागे को पिक करेंगे, दो, दो से एक करेंगे, एक, दो, दो की चेन लेंगे और उसके बाद इसी होल के अंदर जो है हम एक बार और पफ बनाएंगे। तो यानी इस होल के अंदर हमें टोटल जो है इस तरह से 6 पफ बनाकर कंप्लीट करने हैं। तो देखिए धागे को लेंगे, एक, दो, तीन, इस तरह बनाने के बाद धागे को होल्ड करेंगे, सब में से निकालेंगे, ये जो होल्ड करा हुआ धागा है इसको पिक करेंगे, दो, दो से एक करेंगे, एक, दो की चेन लेंगे और वापस इसी तरह जो है यहाँ पर हम अब अपना तीसरा पफ बनाकर कंप्लीट करेंगे। तो देखिए धागे को लेंगे और इसी होल के अंदर एक, दो, तीन, इस तरह पफ बनाएंगे और देखिए धागे को होल्ड करेंगे, सब में से निकालेंगे, होल्ड करे हुए धागे को पिक करेंगे, दो, दो से एक करेंगे, एक, दो की चेन लेंगे और इसी तरह से जो है इस होल के अंदर हम टोटल जो है 6 पफ बनाकर कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर हमारे 3 बनकर कंप्लीट हो चुके हैं और इसी तरह बनाते हुए हम बाकी के 3 भी इस जो है बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस फर्स्ट राउंड में हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये 6 पफ जो है अपने इस राउंड में बनाकर कंप्लीट कर लिए हैं। और ये जो हमारा पहले वाला पफ है इसके ऊपर देखिए ये जो यहाँ पर होल है यहाँ की पर हम स्लिम स्टिच से इसको कनेक्ट करेंगे और नीचे जो धागा है इसको हम थोड़ा सा खींच देंगे तो ये जो है इस तरह से यहाँ पर देखिए सेट हो जाएगा। और उसके बाद ये जो हमने दो दो की चेन बनाई है यहाँ पर हमने अपना सेकंड वर्क स्टार्ट करना है। तो देखिए पहले तो स्लिम स्टिच से यहाँ पर चेन के यहाँ पर कनेक्ट करेंगे, उसके बाद एक की चेन बनाएंगे और यहाँ पर अब हमें इस चेन के अंदर ये देखिए इस तरह से जो है धागे को लेंगे और एक, दो, तीन, इस तरह से पफ बनाएंगे, धागे को होल्ड करेंगे, सब में से निकालेंगे, होल्ड करे हुए धागे को पिक करेंगे, दो, दो से एक करेंगे और एक की चेन बनाएंगे। अब हम एक की चेन बनाएंगे
और यहाँ पर इस चेन के अंदर जो हमने ये पफ बनाया है यहीं पर एक बार पफ और बनाएंगे। तो ये देखिए, एक, दो, तीन, तीन बार पफ बनाने के बाद धागे को होल्ड करेंगे, सब में से निकालेंगे, होल्ड करे हुए धागे को पिक करेंगे, दो, दो से एक करेंगे, यहाँ पर वापस एक की चेन लेंगे। और अब जो हमारी आगे की ये वाली चेन है नेक्स्ट पफ के साइड में, यहाँ पर भी हम सेम इसी तरह से जो है दो बार पफ बनाएंगे। तो देखिए, एक, दो, तीन, इस तरह लेने के बाद धागे को देखिए होल्ड करेंगे, सब में से निकालेंगे, होल्ड करे हुए धागे को पिक करेंगे, दो, दो से एक करेंगे, एक की चेन लेंगे। और उसके बाद इसी चेन के अंदर हमें एक बार और, यानी ये जितनी भी हमारी चेन है, यानी हमारे छह पफ थे तो यहाँ पर छह चेन है, तो छह की छह चेन के अंदर हमें इस तरह से जो है दो दो पफ बनाने हैं। और एक पफ बनाने के बाद हम एक की चेन लेंगे और वापस यहाँ पर एक, दो, तीन, तीन बार निकालने के बाद अपने पफ को इस तरह से कंप्लीट करेंगे और धागे को होल्ड करेंगे, सब में से निकालेंगे, होल्ड करे हुए धागे को पिक करेंगे, दो, दो से एक करेंगे, वापस एक की चेन लेंगे। और आगे की जो हमारी चेन है उसमें इसी तरह से जो है अब हमें हर चेन में दो दो पफ बनाकर जो है अपने इस सेकंड राउंड को जो है बनाकर कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर देखिए, हमारा सेकंड राउंड भी जो है बनकर कंप्लीट हो चुका है। और अब इन एक एक पफ के ऊपर जो चेन थी हमारी, उसके अंदर हमारे इस तरह से दो दो पफ बनकर कंप्लीट हो चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए, अब ये जो हमारे दो पफ हैं, इसके बीच में ये जो चेन है यहाँ पर, इसके अंदर हम यहाँ पर स्लिम स्टिच से कनेक्ट करेंगे पहले दो, और कनेक्ट करने के बाद वापस एक की चेन लेंगे। और ये जो हमारे दो दो के पफ हैं यहाँ पर, ये जो है आगे तक हमारा जब घेरा बढ़ाएंगे हम इस थाल पोस्ट का, तो जो है ये दो दो के जो पफ हैं ये एज इट इज ही रहेंगे। यानी इस चेन के अंदर हर बार जो है हम इसी तरह से सेम दो दो पफ बनाएंगे, और जो हमारा घेरा बढ़ेगा वो हमारे दो पफ के साइड में ये वाली जो चेन है यहाँ पर जो हम पफ बनाएंगे उससे इंक्रीज होते हुए ये घेरा के साइज जो है आगे बढ़कर कंप्लीट होगा। तो देखिए, ये जो दो पफ है इसके अंदर हम सेम तरीके से इसी तरह से दो बार पफ बनाएंगे। तो देखिए, धागे को लेंगे और इस चेन के अंदर एक, दो, तीन, धागे को होल्ड करेंगे, सब में से निकालेंगे, होल्ड करे हुए धागे को पिक करेंगे, दो, दो से एक करेंगे, वापस एक की चेन लेंगे। और जहां पर हमने ये पफ बनाया है यहीं पर इसी चेन के अंदर एक बार और बनाएंगे, एक, दो, तीन, धागे को होल्ड करेंगे, सब में से निकालेंगे, होल्ड करे हुए धागे को पिक करेंगे, दो, दो से एक करेंगे। तो देखिए, इस पफ के ऊपर एज इट इज सेम इसी तरह से जो है एक और पफ इसी तरह से बनकर कंप्लीट हो गया है। वापिस यहां पर देखिए, एक की चेन लेंगे और उसके बाद अब ये दो पफ के साइड में हमारी ये जो चेन है यहाँ पर अब हम एक पफ और बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, एक, दो, तीन, तीन बार पफ बनाने के बाद धागे को होल्ड करेंगे, सब में से निकालेंगे, होल्ड करे हुए धागे को पिक करेंगे, दो, दो से एक करेंगे, वापस एक की चेन लेंगे। तो इस राउंड के अंदर हमारा ये एक पफ जो है बढ़ गया है। उसके बाद देखिए, फिर हमारे यहाँ पर दो पफ हैं, तो ये जो बीच में चेन है इसके बीच में हम सेम तरीके से फिर दोबारा से दो बार पफ बनाएंगे। तो ये तीन हो गए, धागे को होल्ड करेंगे, सब में से निकालेंगे, होल्ड करे हुए धागे को पिक करेंगे, दो, दो से एक करेंगे, एक की चेन लेंगे। और इसी पफ के अंदर, इसी चेन के अंदर एक बार और बनाएंगे, एक, दो, तीन, धागे को होल्ड करेंगे, सब में से निकालेंगे, होल्ड करे हुए धागे को पिक करेंगे, दो, दो से एक करेंगे, वापस एक की चेन लेंगे। अब देखिए, इस पफ के अंदर सेम इसी तरह से दोबारा पफ बन गया है। अब इसके जो साइड में ये वाली चेन है यहाँ पर हम दोबारा से एक पफ बनाएंगे, एक, दो, तीन, धागे को होल्ड करेंगे, सब में से निकालेंगे, होल्ड करे हुए धागे को पिक करेंगे, दो, दो से एक करेंगे, एक की चेन लेंगे। तो थर्ड राउंड के अंदर देखिए, हमें इसी तरह से बनाना है। यानी ये जो हमारे दो पफ हैं इनके अंदर तो सेम तरीके से हमें दो पफ बनाने हैं, और उसके साइड में जो हमारी चेन है वहां पर अब एक एक पफ जो है बढ़ता जाएगा इसी तरह से। तो ये एक पफ हर बार जो है यहाँ पर देखिए चेन में एक एक बढ़ जाएगा, इंक्रीज होगा, और पफ के अंदर दो पफ इसी तरह से सेम तरीके से बनते जाएंगे। तो इसी तरह से बनाते हुए आप अपने
हार्पोस के इस थर्ड राउंड को जो है बनाकर कंप्लीट कर लें। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो थर्ड राउंड है थार्पोस का वो भी बनकर कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पर देखिए जो हमारे दो के पफ थे यहाँ पर इसके सेंटर में जो चेन है यहाँ पर हम स्लिम स्टिच से कनेक्ट करेंगे और उसके बाद एक की चेन लेंगे। और जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो दो पफ हम बना रहे हैं ये आगे तक ऐसे ही बनकर जाएंगे और जो हमारे इंक्रीज होंगे वो आगे की ये जो चेन है इसके अंदर हर बार जो है पफ बढ़ते जाएंगे, उसी से ये घेरा जो है फैलावट में बनकर कंप्लीट होगा। और ये देखिए जैसा मैंने आपको कहा कि ये जो दो पफ है यहाँ पर हम सेम पहले की तरह ही देखिए दो बार पफ बनाएंगे, एक दो तीन, धागे को होल्ड करेंगे, सब में से निकालेंगे, होल्ड करे हुए धागे को पिक करेंगे, दो दो से एक करेंगे, एक की चेन लेंगे और उसके बाद इसी चेन में देखिए दोबारा से पफ बनाएंगे, एक दो तीन, धागे को होल्ड करेंगे, सब में से निकालेंगे, होल्ड करे हुए धागे को पिक करेंगे, दो दो से एक करेंगे, एक की चेन लेंगे। तो ये जो हमारा दो का पफ था ये देखिए वापस इसके अंदर इसी तरह से दो का पफ बन गया है। और जो आगे की चेन में अब हमने देखिए एक पफ बनाया था सेकंड थर्ड राउंड में इसके, तो यहाँ पर देखिए अब इसके यहाँ पर भी चेन है, इस पफ के जो है यहाँ पर भी चेन है और यहाँ पर भी चेन है। तो अब एक पफ हम यहाँ पर बनाएंगे, एक पफ यहाँ पर बनाएंगे, तो अब इस फोर्थ राउंड के अंदर जो है हमारा एक पफ यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक था अब दो बनेंगे, तो देखिए धागे को लेंगे और ये जो साइड में चेन है इसके अंदर एक बार बनाएंगे, एक दो तीन, धागे को होल्ड करेंगे, सब में से निकालेंगे, होल्ड करे हुए धागे को पिक करेंगे, दो दो से एक करेंगे, एक की चेन लेंगे। और अब इस पफ के अंदर जो हमने नीचे एक पफ बनाया था उसके इस साइड जो चेन है इसके अंदर भी पफ बनाएंगे, एक दो तीन, धागे को होल्ड करेंगे, सब में से निकालेंगे, होल्ड करे हुए धागे को पिक करेंगे, दो दो से एक करेंगे, वापस एक की चेन लेंगे। तो यहाँ पर देखिए आप देख पा रहे होंगे कि नीचे हमारा एक पफ था यहाँ पर, और जब हमने फोर्थ राउंड में यहाँ पर इसके साइड की चेन में भी एक एक पफ बना दिया तो अब इसके ऊपर दो पफ हो गए हैं। तो हर राउंड में जो है इसी तरह से हमारे पफ जो है ये वाले बढ़ते जाएंगे और जो हम पफ के अंदर सेम दो पफ बना रहे हैं वो एज इट इज आगे तक ऐसे ही बनकर कंप्लीट होगा ये। और हर बार जो पफ बढ़ेगा वो ये वाली चेन के अंदर बढ़ेगा, एक एक पफ हर बार। तो यहाँ पर देखिए एक था अब ये दो हो गए, इसी तरह से जो है अब हम आगे भी बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए वापस हमारे दो पफ आ गए हैं। तो यहाँ पर इस चेन के बीच में हम दोबारा से दो बार पफ बनाएंगे, तीन, धागे को होल्ड करेंगे, सब में से निकालेंगे, होल्ड करे हुए धागे को पिक करेंगे, दो दो से एक करेंगे, एक की चेन लेंगे और यहीं पर एक बार दोबारा पफ बनाएंगे, एक दो तीन, धागे को होल्ड करेंगे, सब में से निकालेंगे, होल्ड करे हुए धागे को पिक करेंगे, दो दो से एक करेंगे, एक की चेन लेंगे। और अब देखिए जो एक पफ था इसके हम इस साइड भी बनाएंगे, एक दो तीन, धागे को होल्ड करेंगे, सब में से निकालेंगे, होल्ड करे हुए धागे को पिक करेंगे, दो दो से एक करेंगे, एक की चेन लेंगे। और अब इस पफ के साइड में जो चेन है यहां पर भी बनाएंगे, एक दो तीन, धागे को होल्ड करेंगे, सब में से निकालेंगे, होल्ड करे हुए धागे को पिक करेंगे, दो दो से एक करेंगे, एक की चेन लेंगे। और अब देखिए आगे हमारे फिर वही है, ये दो पफ आ गए हैं। तो इस पफ के अंदर हम सेम इसी तरह से बनाएंगे और जब हमारा एक पफ आएगा तो इस एक पफ के चेन के इस तरह मतलब पफ की इधर वाली चेन में और इधर वाली चेन में हम एक एक पफ बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारा एक पफ के ऊपर दो पफ बनकर कंप्लीट होंगे। तो इसी तरह से बनाते हुए अब इस थार्पोस के फोर्थ राउंड को जो है हम बनाकर कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा फोर्थ राउंड भी जो है बनकर कंप्लीट हो चुका है, जो आपको कुछ इस तरह से देखिए नजर आएगा। और यहाँ पर देखिए एक की चेन लेने के बाद अब ये जो हमारे दो के पफ हैं वापस इसकी इस चेन में हम स्लिम स्टिच से सबसे पहले कनेक्ट करेंगे, उसके बाद एक की चेन लेंगे। और जैसा मैंने कहा कि हर बार इस पफ के अंदर हम सेम तरीके से ही बनाएंगे, यानी इस चेन के अंदर अब हम दोबारा से दो बार पफ बनाएंगे, एक दो तीन,
धागे को होल्ड करेंगे, सब में से निकालेंगे, होल्ड करे हुए धागे को पिक करेंगे, दो दो से एक करेंगे, वापस यहाँ पर एक की चेन लेंगे और उसके बाद इसी चेन के अंदर एक बार दोबारा पफ बनाएंगे, एक दो तीन, धागे को होल्ड करेंगे, सब में से निकालेंगे, होल्ड करे हुए धागे को पिक करेंगे, दो दो से एक करेंगे, वापस एक की चेन लेंगे। अब ये देखिए फोर्थ राउंड के अंदर हमारा जो है यहाँ पर एक पफ के ऊपर दो पफ बनकर कंप्लीट हुए थे और अब आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पर देखिए, अब इन दो पफ के जो है यहाँ पर भी चेन है, दो पफ के बीच में भी चेन है और साइड में भी चेन है, यानी अब इस दो पफ के ऊपर हमारे तीन पफ बनेंगे। तो जो घेरा मैंने आपको बताया कि वो इन्हीं से जो है, ये वाले जो पफ हम बना रहे हैं इन्हीं से जो है फैलावट में बनकर कंप्लीट होगा। तो देखिए पहले हमारा एक पफ बना था, उसके ऊपर दो पफ बने और अब यहाँ पर फिफ्थ लाइन में एक दो तीन, इन दो पफ के ऊपर हमारे तीन पफ बनेंगे। तो देखिए धागे को लेंगे और ये वाली जो चेन है, एक दो तीन, तो देखिए इस वाली चेन के अंदर हम इस तरह से तीन बार पफ निकालेंगे, धागे को होल्ड करेंगे, सब में से निकालेंगे, होल्ड करे हुए धागे को पिक करेंगे, दो दो से एक करेंगे, एक की चेन लेंगे और ये जो दो पफ थे हमारे, अब इसके सेंटर में जो चेन है यहां पर भी एक बार पफ बनाएंगे, एक दो तीन, धागे को होल्ड करेंगे, सब में से निकालेंगे, होल्ड करे हुए धागे को पिक करेंगे, दो दो से एक करेंगे, वापिस एक की चेन लेंगे और अब इस सेकंड वाले पफ के साइड में जो हमारी ये चेन है यहां पर भी बनाएंगे, एक दो तीन, धागे को होल्ड करेंगे, सब में से निकालेंगे, होल्ड करे हुए धागे को पिक करेंगे, दो दो से एक करेंगे, वापिस एक की चेन लेंगे और उसके बाद देखिए फिर हमारे जो है दो पफ आ जाएंगे। इनके अंदर जो है हम सेम इसी तरह से इस चेन के बीच में दो बार पफ बनाएंगे, यानी एक पफ बनाएंगे पहले, फिर एक ही चेन लेंगे, फिर दूसरा पफ बनाएंगे और उसके बाद जो है वापस हमारा वही प्रोसेस फॉलो करेंगे जो हमने अभी बनाया है, यानी इन दो पफ के ऊपर अब हमारे तीन पफ जो है बनकर कंप्लीट होंगे। जैसा आपको नजर आ रहा होगा कि इन दो पफ के जो है एक दो तीन, यहाँ पर तीन हमें चेन मिलती है तो इनके ऊपर तीन पफ बनेंगे और सिक्स राउंड के अंदर यही चेन चार हो जाएंगी, तो फिर उसके बाद चार पफ, उसके बाद पांच पफ, तो इसी तरह से ये पफ की जो है संख्या बढ़ती जाएगी। यहाँ पर देखिए आपको क्लियर नजर आएगा कि यहाँ पर देखिए दो पफ बनाने के बाद हमारे पास नीचे एक चेन थी, यहाँ पर एक पफ था, उसके ऊपर हमारे दो पफ हुए उसके बाद, और उसके बाद एक दो तीन पफ बनकर कंप्लीट हुए हैं। तो ये जो थालपोस का जो हमारा मेन बेस है वो ऐसे ही बनकर कंप्लीट होगा और आप इसको जितना भी साइज आप बनाना चाहते हैं, छोटा बनाना चाहते हैं, मीडियम बनाना चाहते हैं या लार्ज साइज में बनाना चाहते हैं, एक्स्ट्रा लार्ज में, क्योंकि देखिए हर कोई जो है थालपोस अपने हिसाब से बनाना पसंद करता है, कोई नॉर्मल थाली या प्लेट के हिसाब से बनाता है, कोई बड़े बड़े थाल के हिसाब से बनाना पसंद करता है। तो आप इसको जितने भी बड़े साइज का बनाना चाहें आप इसी तरह से, देखिए बनाने का तरीका यही रहेगा, बाकी इसी तरह से जो है बनाते हुए आप इसको कितना भी बड़ा जो है बनाकर अपने हिसाब से कंप्लीट कर सकते हैं। तो थाल पोस का देखिए जो मेन बेस हम बनाएंगे वो हम इसी तरीके को फॉलो करते हुए इसी तरह से जो है बनाकर अपना कंप्लीट करेंगे। तो इसके आगे के राउंड जो है मैं इसी तरह से बढ़ाते हुए बनाते हुए जो है इस थाल पोस के जो है बनाकर कंप्लीट करूंगी। तो आप भी अपने थाल पोस का मेन बेस जो है इसी तरह से बनाते हुए जितना साइज आपको चाहिए उतना बड़ा इसको बनाकर कंप्लीट कर ले। तो यहाँ पर देखिए हमारे जो थाल पोस का मेन बेस है वो बनकर जो है कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ जो हमने छह पफ बनाए थे डबल डबल, ये वाले, ये देखिए ये सेम रो में इसी तरह से बनते हुए ऊपर तक आए हैं, ये आपको देखिए क्लियर नजर आ रहे होंगे। यहाँ पर छह पफ थे हमारे, छह के छह इसी तरह से देखिए सीरीज में जो है आपको यहाँ पर नजर आएंगे, ये छह हैं और उसके बीच में जो मैंने आपको बताया था कि एक पफ के ऊपर दो, फिर तीन, चार, पांच, इस तरह से बनाते हुए मैंने जो एंड करा है वो मैंने 10 पफ के ऊपर एंड करा है, क्योंकि इसके आगे जो है हमें बाद में अपना बॉर्डर भी बनाना होता है। बाकी आप इसको जैसा मैंने आपको कहा था कि आप अपने हिसाब से इसको और भी बड़ा भी बना सकते हैं या कम करना चाहें तो कम भी कर सकते हैं। तो देखिए हमारे थालपोस का जो मेन बेस है वो बनकर कंप्लीट हो चुका है।
तो यहाँ पर देखिए अब हम जो है इसका बॉर्डर बनाना शुरू करेंगे। तो बॉर्डर बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले तो हम इसको कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कनेक्ट करने के बाद ये जो आगे वाली हमारी चेन है यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया से इसको ज्वाइन करेंगे। फिर नेक्स्ट चेन में एक बार दोबारा से सिंगल क्रोशिया से इसको ज्वाइन करेंगे, यानी दो चेन के अंदर तो हमें सिंगल क्रोशिया से इसको ज्वाइन करना है। और जो हमारी थर्ड चेन होगी यहाँ पर हम एक बार तो सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पर हम आठ बार चेन बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। आठ बार चेन बनाने के बाद ये जो नीचे की तरफ देखिए हमने इसको ज्वाइन किया है, यहीं इस लूप के अंदर हम इसको सिंगल क्रोशिया से कनेक्ट करेंगे। तो ये हमारी इस तरह की एक चेन बन जाएगी। इसी चेन के अंदर हमें अपनी पत्ती बनाकर कंप्लीट करनी है। तो इसके बाद देखिए नेक्स्ट चेन में हम दोबारा से सिंगल क्रोशिया से कनेक्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट चेन में दोबारा से सिंगल क्रोशिया से कनेक्ट करेंगे। दो चेन के अंदर हमने सिंगल क्रोशिया से कनेक्ट कर दिया है, थर्ड चेन के अंदर सिंगल क्रोशिया से कनेक्ट करेंगे और साथ ही साथ हमें थर्ड वाली चेन के अंदर जो है आठ बार चेन भी बनानी है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आठ बार चेन बनाने के बाद नीचे के इस लूप के अंदर हम इसको सिंगल क्रोशिया से कनेक्ट करते जाएंगे और बाकी फिर आगे इसी तरह से जो है प्रोसेस को फॉलो करते हुए हमें इस तरह की जो है आठ आठ की यहाँ पर चेन बनाकर कंप्लीट करनी है। तो इसी तरह से जो है बॉर्डर का आप फर्स्ट पार्ट बनाकर कंप्लीट कर लें। तो यहाँ पर देखिए हमारे बॉर्डर का जो है फर्स्ट पार्ट बनकर कंप्लीट हो चुका है। हमें जितनी चेन बनानी थी हमने इस के बॉर्डर में बनाकर कंप्लीट कर ली है और अब हम जो है एंड में आ चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाए थे, और अगर आपको लगे आपका हाथ टाइट है तो यहाँ पर देखिए जैसे हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था तो आप एक चेन लेने के बाद ये सिंगल क्रोशिया बनाए, फिर एक चेन ले फिर सिंगल क्रोशिया बनाए, तो ये थोड़ा लूज हो जाएगा। उसके बाद क्या हम क्या करेंगे, ये जो हमारे दो बार हमने सिंगल क्रोशिया बनाए हैं उसके मिड में यहाँ पर स्लिम स्टिच से इस तरह से कनेक्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चेन के अंदर दोबारा से यहाँ पर हम स्लिम स्टिच से आएंगे, फिर ये जो लूप है हमें इसके अंदर आना है। दो बार स्लिम स्टिच बनाते हुए यहाँ पर इस लूप के अंदर भी हम एक बार स्लिम स्टिच बनाएंगे। उसके बाद 1, 2, 3 की चेन लेंगे। तो एक तो हमारी ये 3 की चेन हो गई, तो यहाँ पर हमें टोटल 8 बार डबल क्रोशिया बनाना है। तो देखिए एक हमारी 3 की चेन हो गई, 7 बार हम और बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से ये 2 हो गई, और यहाँ पर देखिए धागे को लेंगे और इस तरह से ये 3 है, पहले 2 करेंगे, 2 से 1 करेंगे, ये डबल क्रोशिया कहलाता है। तो ये हमारे टोटल 3 हो गए हैं, 4, 5, 6, 7 और ये 8। तो 8 बार हमने देखिए डबल क्रोशिया बनाकर यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। और अब हम यहाँ पर जो है 2 की चेन लेंगे, 1, 2, और 2 की चेन लेने के बाद वापस ये जो बाकी की हमारी चेन बची है इसके अंदर दोबारा से 8 बार ये देखिए इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो देखिए 8 बार जो है हम इस तरह से ये डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर ये एक इस तरह से जो है पत्ती बनकर कंप्लीट होगी। तो ये जितनी भी हमने चेन बनाई है इन सभी चेन के अंदर हमें इसी तरह से जो है पत्तियां बनाकर कंप्लीट करनी है। और वापस देखिए ये जो हमारी आगे की दो चेन है यहाँ पर वापस हम जो है स्लिम स्टिच से पहली चेन के अंदर इस तरह से कनेक्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट के अंदर स्लिम स्टिच से कनेक्ट करेंगे, और अब ये हमारा लूप आ जाता है। तो इस लूप के अंदर हमें वापस से जो है अपना वर्क कंटिन्यू करना है। तो उसके लिए यहाँ पर देखिए दोबारा से हम पहले लूप के अंदर इस तरह से
स्लिम स्टिच करके यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। उसके बाद एक दो तीन की चेन बनाएंगे और जैसे हमने ये पत्ती बनाई थी सेम ऐसे ही हम पत्ती बनाएंगे हर बार, यानी 8 बार हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद 2 की चेन लेंगे और वापस इसके अंदर जो है 8 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और उसके बाद फिर ये जो आगे के हमारे सिंगल क्रोशिया हैं 2 इनके अंदर स्लिम स्टिच से कनेक्ट करते हुए वापस लूप में आएंगे और अपने इस वर्क को इसी तरह से कंटिन्यू करते हुए हम जो है इसका बॉर्डर बनाकर कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे थालपोस का जो मेन बेस है वो बनकर कंप्लीट हो चुका है, जो आपको अभी कुछ इस तरह से दिखाई देगा। और अब हम जो है इसका बॉर्डर बनाने के लिए यहाँ पर अपना सेकंड कलर ऐड करेंगे। तो सेकंड कलर ऐड करने के लिए यहाँ पर देखिए हमारा जो ब्लू कलर का वर्क है यहाँ पर ख़त्म होता है, मैं इसे कट कर दूंगी और यहीं पर मैं अपना अब सेकंड जो है कलर ऐड करूंगी। आप चाहें तो इसे एक ही कलर में भी बनाकर कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो हम अपने इस कलर को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर अब हम 8 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 चेन लेने के बाद यहीं नीचे की तरफ हम सिंगल क्रोशिये से इसको कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा एक लूप बन गया है जो हमारा इन पत्तियों के बीच में आएगा इस तरह से। उसके बाद हम देखिए धागे को लेंगे और ये जो हमने पत्ती बनाई है इसकी जो पहली वाली ये जो देखिए डबल क्रोशिया है पहले वाला, इसको पीछे से इस तरह से पिक करेंगे और यहाँ पर एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद 6 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 6 चेन लेने के बाद ये जो हमारी पत्ती है जहां पर हमने इसको कनेक्ट किया है एंड में भी जो हमारी लास्ट वाला डबल क्रोशिया है उसको भी देखिए पीछे की तरफ से हम इस तरह से पिक करेंगे जो लास्ट वाला डबल क्रोशिया है और यहां पर सिंगल क्रोशिये से इसको कनेक्ट करेंगे और इसके बाद वापस यहां पर 8 की चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बार बनाने के बाद यहीं पर जहां पर हमने इसको कनेक्ट किया है वहीं पर उठाते हुए हम इसको ज्वाइन कर देंगे सिंगल क्रोशिये से। तो देखिए ये फिर एक लूप बनकर कंप्लीट हो गया है और ये जो लूप है ये देखिए दोनों ये हम जो लूप बनाएंगे ये पत्तियों के बीच में आएंगे हर बार। और उसके बाद देखिए फिर दोबारा से हम धागे को लेंगे और नेक्स्ट पत्ती के फर्स्ट वाले डबल क्रोशिये को पीछे से पिक करते हुए यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 की चेन लेंगे और फिर इसी पत्ती के दूसरी साइड में जो हमारा लास्ट वाला देखिए डबल क्रोशिया है उसको पीछे से इस तरह से पिक करते हुए यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 की चेन बनाएंगे और जहां पर हम ये चेन बनाते हैं वहीं पर हम इसको सिंगल क्रोशिये से कनेक्ट करेंगे और वापस धागे को लेके फिर नेक्स्ट पत्ती की फर्स्ट डबल क्रोशिये की चेन को पीछे से पिक करेंगे और यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर वापस यहाँ पर 2 3 4 5 6 की चेन बनाएंगे और फिर इस पत्ती के एंड वाला जो हमारा सेकेंड ये जो डबल क्रोशिया होगा लास्ट वाला इसको पिक करते हुए यहाँ पर सिंगल क्रोशिये से इसको ज्वाइन करेंगे और यहाँ पर वापस फिर हम 8 की चेन बनाकर कनेक्ट करेंगे। तो इसी तरह से देखिए बनाते हुए हमें अपने बॉर्डर का जो हम दूसरा पार्ट बना रहे हैं उसका ये हिस्सा इसी तरह से बनाकर कंप्लीट करना है और ये जितनी भी चेन आएंगी ये देखिए ये इस तरह से इन पत्तियों के सेंटर में आएगी, ये देखिए जितनी भी चेन आएगी वो इस तरह से पत्तियों के सेंटर में आएगी हर बार। तो इसी तरह से बनाते हुए जो है आप अपने सेकंड बॉर्डर के इस राउंड को बनाकर कंप्लीट कर ले। तो यहाँ पर देखिए हमारे बॉर्डर का जो है सेकंड राउंड भी बनकर कंप्लीट हो चुका है और पीछे की तरफ इस तरह की जो है सेकंड चेन की जो हमारी बॉर्डर की लाइन थी वो बनकर इस तरह से कंप्लीट हो गई है। पूरे में देखिए इस तरह से जो है चेन बनकर कंप्लीट हो चुकी है और अब इसके अंदर भी हमें जो है पत्तियां बनाकर कंप्लीट करनी है। तो देखिए वर्क के एंड में आने के बाद ये जो हमारी फर्स्ट हमने ये चेन बनाई थी यहाँ पर सबसे पहले हम स्लिम स्टिच से इसको कनेक्ट करेंगे
और वापस यहाँ पर एक दो तीन की चेन लेंगे और जैसे हमने ये वाली पत्तियां बनाई थी सेम हमें वैसे ही इसके अंदर भी इसी तरह की पत्तियां बनानी है। यानी एक हमारी तीन की चेन हो गई और यहाँ पर सात बार हम एक बार दोबारा से डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, एक दो की चेन लेंगे और वापस यहां पर इसी चेन के अंदर दोबारा से आठ बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक दो तीन चार पांच छः सात आठ। तो देखिए ये वापस हमारी इन पत्तियों के बीच में इस तरह की पत्ती जो है बनकर कंप्लीट हो गई है। और उसके बाद ये जो हमारी चेन है बीच के अंदर यहाँ पर हम इसको सिंगल क्रोशिया से कनेक्ट करेंगे। उसके बाद वापस इस चेन के अंदर स्लिम स्टिच से कनेक्ट करेंगे, एक दो तीन की चेन बनाएंगे और जैसे हमने ये पत्ती बनाई है सेम ऐसे ही हम इसमें भी पत्ती बनाएंगे। और पत्ती बनाने के बाद वही देखिए आगे की चेन में सिंगल क्रोशिया से कनेक्ट करेंगे और वापस इस चेन में इसी तरह से जो है आठ आठ बार जो है बनाते हुए अपनी इन पत्तियों को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो थाल पोस है उसके बॉर्डर का सेकंड राउंड भी यहाँ पर बनकर कंप्लीट हो चुका है जो आपको अभी कुछ इस तरह से दिखाई देगा। बॉर्डर बनने से ही ये जो थाल पोस है ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, सिंपल में भी कितना अच्छा लग रहा है। आप चाहें तो इसको ऐसे भी रख सकते हैं। बाकी अब हम जो है इसके बीच का जो हम इसके सेंटर में एक फ्लावर बनाकर लगाएंगे, अब हम वो फ्लावर बनाना सीखेंगे। तो फ्लावर बनाने के लिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो हम इस तरह से एक होल बनाकर कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम इसको कनेक्ट करेंगे धागे को, उसके बाद तीन की चेन लेंगे, एक दो तीन। तीन चेन लेने के बाद अब इस सर्कल के अंदर हमें 12 बार डबल क्रोशिया बनाना है। तो यहाँ पर देखिए एक तो हमारी तीन की चेन हो गई और एक हमने ये डबल क्रोशिया बनाया तो ये दो हो गई हैं। उसके बाद यहाँ पर अब 10 बार और हमें इसी तरह से डबल क्रोशिया बनाना है। तो देखिए धागे को लेंगे, होल में से इस तरह से निकालेंगे। यहाँ पर देखिए ये तीन है, तीन को पहले दो करेंगे और दो से फिर एक करेंगे, ये डबल क्रोशिया कहलाता है। तो यहाँ पर इसी तरह से बनाते हुए हमें जो है 12 बार यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाकर अपने फ्लावर के इस फर्स्ट राउंड को बनाकर कंप्लीट करना है। तो देखिए इसी तरह से जो है डबल क्रोशिया बनाते हुए मैं यहाँ पर 12 टाइम्स जो है डबल क्रोशिया बनाकर इसको कंप्लीट करूंगी। तो यहाँ पर देखिए मैं वर्क के एंड में आ चुकी हूँ, मैंने 12 बार यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट कर लिया है। और जो फर्स्ट हमने तीन की चेन बनाई थी तो ये जो थर्ड वाला हमारा क्रोशिया है, थर्ड वाली ये जो चेन है हमारी, इसके अंदर स्लिम स्टिच से मैं इसको कनेक्ट करूंगी। तो ये हमारा कुछ सर्कल इस तरह से बनकर कंप्लीट होगा और जो पीछे का धागा आप इसको थोड़ा सा खींच दें तो बीच का जो गैप है वो बंद हो जाएगा इस तरह से। उसके बाद हमारा ये व्हाइट कलर का वर्क यहाँ पर जो है खत्म होता है तो हम इसको कट कर देंगे। तो हमारा जो है ये इस तरह का एक सर्कल बनकर कंप्लीट हो चुका है और अब हम यहाँ पर जो है अपना ब्लू कलर का वर्क ऐड करेंगे। तो देखिए जहां पर हमने कट करा है वहीं पर हम अपना ये ब्लू कलर यहाँ पर ऐड करेंगे सबसे पहले। और इसको ऐड करने के बाद यहाँ पर अब मैं 10 टाइम्स जो है चेन बनाऊंगी, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस। 10 चेन बनाने के बाद जहां पर देखिए हमने इसको कनेक्ट किया है वहीं पर हम इसको जो है सिंगल क्रोशिए से यहाँ पर दोबारा कनेक्ट करेंगे। और कनेक्ट करने के बाद देखिए ये यहाँ पर इस तरह का एक लूप बनकर कंप्लीट होगा, इसी के अंदर हमें अपना वर्क करना है। तो यहाँ और एक दो तीन की चेन लेंगे। तो यहाँ पर देखिए तीन की चेन बनाने के बाद हमें जो है इस लूप के इस तरफ से यहाँ पर अपना काम शुरू करना है।
तो यहाँ पर देखिए इस तरह से धागे को लेंगे और इस लूप के अंदर यहाँ पर 10 बार हमें डबल क्रोशिया बनाना है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो देखिए लूप के इस साइड जो है हमने राइट साइड में इसके 10 बार जो है इस तरह से डबल क्रोशिया बना लिया है। उसके बाद वापिस हम यहाँ पर 2 की चेन लेंगे, 1, 2, और 2 की चेन लेने के बाद वापिस ये जो हमारी बाकी की चेन बची है इसके अंदर दोबारा से हम 10 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यानी टोटल हमें यहाँ पर देखिए 20 बार जो है इसी तरह से इस चेन के अंदर डबल क्रोशिया बनाना है। यानी 10 बार डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम 2 की चेन लेंगे और वापस दोबारा से इसी तरह से बाकी की बची हुई चेन के अंदर हमें दोबारा से 10 बार डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये टोटल 20 हो जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 हो चुकी हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने जो है साइड की चेन में भी यहाँ पर 10 बार डबल क्रोशिया बना लिया है। ये आपको पत्ती कुछ इस तरह से अभी नजर आएगी। उसके बाद जो आगे वाला ये हमारा क्रोशिया वर्क है, यानी हमने एक चेन के अंदर ये बनाया है, अब जो हमारी नेक्स्ट चेन है वहां पर हम सबसे पहले तो इसको सिंगल क्रोशिये से यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर 5 की चेन लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। 5 की चेन लेने के बाद यहाँ पर देखिए जो हमारा 5th वाला डबल क्रोशिया होगा, 1, 2, 3, 4, 5, वहां पर पीछे की तरफ से यहाँ पर हम ऐसे डायरेक्ट नहीं करेंगे, पीछे वाली चेन को यहाँ पर देखिए ये जो पीछे वाली चेन है इसको पिक करते हुए यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरह से अटैच कर देंगे। क्योंकि ये जो हमारी पत्तियां होंगी ये एक के पीछे एक जो है अटैच होती हुई जाएंगी, नहीं तो ये सीधी सीधी बनेंगी तो ये इतना अच्छा नहीं लगेगा। ये फ्लावर आपने देखा होगा कि ये जो फ्लावर है हमने एक के ऊपर एक के पीछे पीछे पत्तियां आ रही हैं, तो उसके लिए यहाँ पर 5 की चेन बनाकर हम इसमें कनेक्ट करेंगे। वापिस यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 की चेन बनाएंगे और जहां पर देखिए हमने इसको कनेक्ट किया है वहीं पर सिंगल क्रोशिये से इसको हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। और कनेक्ट करने के बाद अब हम जो है ये जो हमारी पहले वाली 5 की चेन है इसको पिक करेंगे और यहां पर जो है 10 बार जो है डबल क्रोशिया बनाएंगे। यानी 10 बार हम पीछे वाली चेन में जो हमने पहले वाली बनाई थी उसके अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2, 3, 4, 5। तो इसी तरह से पीछे वाली चेन में आप 10 बार जो है डबल क्रोशिया बनाकर इसको कंप्लीट कर ले। तो यहां पर देखिए 10 बार हमने डबल क्रोशिया बना लिया है। अब इसके बाद वापस हम यहां पर 1, 2 की चेन बनाएंगे और ये वाली जो हमारी चेन है इसको पिक करते हुए इस चेन के अंदर दोबारा से हम 10 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये 2 हो गए। इसी तरह से जो है 8 बार हम इसमें दोबारा से डबल क्रोशिया बनाकर इसको कंप्लीट करेंगे। तो यहां पर देखिए हमने इसके अंदर भी दोबारा से जो है लास्ट की जो बचे थे हमारे डबल क्रोशिया वो हमने बना लिए हैं। और उसके बाद अब आगे वाली चेन में यानी एक एक चेन को हम जो है लेते जाएंगे, यानी हमने जो है 12 बार जो है फर्स्ट राउंड में यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाया था, तो ये जो पत्तियां बनेंगी हमारी टोटल 12 ही बनेंगी। अब देखिए आगे वाली चेन में हम इसको इस तरह से सिंगल क्रोशिया से कनेक्ट करेंगे, फिर यहां पर 5 की चेन बनाएंगे और 5 की चेन बनाने के बाद ये वाली साइड की जो हमारी 5th वाली डबल क्रोशिया होगा, 1, 2, 3, 4, 5, उसके अंदर पीछे की तरफ से हम इसको सिंगल क्रोशिया से कनेक्ट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, दोबारा से यहां पर 5 की चेन बनाएंगे और जहां पर हमने कनेक्ट किया है वहीं पर सिंगल क्रोशिया से इसको दोबारा कनेक्ट करेंगे।
तो ये देखिए, ये जो है आपको दिखाई दे रहा होगा, एक पत्ती ऐसे नीचे की तरफ आएगी, एक ऊपर की तरफ। अब जब ये वाली पत्ती बनेगी तो ये इस पत्ती के नीचे ये वाली पत्ती आएगी, तो इसी तरह से ये फ्लावर बनकर कंप्लीट होगा। और यहाँ पर देखिए, फिर जो हमने पहले वाली चेन बनाई थी ये वाली, तो 10 बार तो हमें इसके अंदर डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए, इस तरह से 10 बार इसमें डबल क्रोशिया बनाना है। उसके बाद दो की चेन लेकर फिर 10 बार आगे वाली चेन के अंदर डबल क्रोशिया बनाना है। तो इसी तरह से हम जो है इस पूरे 12 की 12 चेन के अंदर इसी तरह से बनाते हुए अपने इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर देखिए, मैं वर्क के एंड में आ चुकी हूँ और ये जो लास्ट वाली हमारी चेन थी, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने अभी जो है दो चेन लेने के बाद सिर्फ 1, 2, 3, 4, 5 बार ही जो है डबल क्रोशिया बनाया है। अभी 5 बार मेरा बाकी है, उसको हम बाद में बनाएंगे। पहले देखिए, जैसा मैंने आपको बताया, ये एक के पीछे एक आएंगे, तो ये भी ये लास्ट वाली पत्ती भी हमारी इसके पीछे आए। इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये जो हमने देखिए फर्स्ट वाली हमारी पत्ती है ये वाली, इसके अंदर ये जो हमने दो की चेन बनाई है, यहाँ पीछे की तरफ से देखिए, इसको यहाँ पर हम इसमें सिंगल क्रोशिये से सबसे पहले तो इस तरह से जोड़ देंगे, तो ये वाली पत्ती जो है इसके पीछे आ जाएगी और इस तरह से कनेक्ट हो जाएगी। ये देखिए इस तरह से। तो कनेक्ट करने के लिए 5 बार डबल क्रोशिया बनाने के बाद सबसे पहले तो हम ये जो दो की चेन है वहां पीछे की तरफ से सिंगल क्रोशिये से कनेक्ट करेंगे, और उसके बाद ये जो हमारी चेन बची है इसके अंदर वापिस अपने बचे हुए जो है 5 डबल क्रोशिया बनाकर हम अपनी इस लास्ट पत्ती को कंप्लीट करेंगे। तो 1, 2, 3, 4 और ये 5 5 बार देखिए बनाने के बाद ये पत्ती भी हमारी कंप्लीट हो गई है, और साथ ही साथ ये इसके अंदर अटैच भी हो गई है। तो नीचे की तरफ यहां देखिए सिंगल क्रोशिये से अब मैं इसको कनेक्ट कर देंगे, और कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमारा ब्लू कलर का वर्क खत्म होता है। तो मैं इसको यहाँ पर कट करने के बाद इस धागे को हम पीछे की तरफ जो है सेट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये जो पत्तियां हैं ये इस तरह से एक के ऊपर एक आएंगी, और इनको थोड़ा सा हाथ से इस तरह से खींचकर थोड़ा सा अरेंज भी कर दें। ये देखिए इस तरह से, ये जो है इस तरह से इसके ऊपर सारी पत्तियां एक दूसरे के ऊपर इस तरह से सेट हो जाएंगी, और ये फ्लावर बहुत ही प्यारा जो है लगने वाला है। और ये देखिए इसी तरह से ये फ्लावर बनकर कंप्लीट होगा। और अभी हमें इसका एक ऑरेंज कलर से बॉर्डर और बनाकर कंप्लीट करना है, अभी ये पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है। तो उसके लिए देखिए, ये जो हमारे बीच में आपने देखा होगा, ये जो पत्तियां एक के बीच में आ रही है, तो ये इस तरह से यहाँ पर ये जो हमने चेन कनेक्ट करी थी 5वें नंबर पर, तो उसकी वजह से यहाँ पर इस तरह के लूप बन गए हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले कहीं से भी आप अपने इस वर्क को जो है कनेक्ट कर ले। कनेक्ट करने के बाद अब यहां पर हम वापिस से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह से 8 चेन लेंगे जैसे हमने बॉर्डर में ली थी, और यहीं पर जो है जहां पर हमने कनेक्ट किया है वहीं पर सिंगल क्रोशिये से इसको कनेक्ट कर देंगे। और कनेक्ट करने के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6 चेन लेंगे, और नेक्स्ट वाली जो हमारा ये इस तरह से कनेक्ट आएगा, यहां पर दोबारा से इसको इस तरह से कनेक्ट कर देंगे। और कनेक्ट करने के साथ साथ यहाँ पर फिर हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 की चेन बनाएंगे। यानी हमने पहले 8 की चेन बनाई, इस तरह का लूप बनाया जिसमें हमें पत्ती बनानी है, फिर 6 चेन बनाकर हमने नेक्स्ट वाले उसमें कनेक्ट किया, वापस 8 की चेन बनाई, और यहीं पर एक बार इसको लूप बनाने के लिए दोबारा कनेक्ट कर देंगे। तो ये हमारे लूप बनते हुए जाएंगे, और उसके बाद यहाँ पर वापिस हम जो है 6 की चेन लेंगे, 4, 5, 6, और 6 की चेन लेने के बाद नेक्स्ट वाले में इसको कनेक्ट करेंगे, और कनेक्ट करने के साथ फिर 8 की दोबारा से चेन बनाकर लूप बनाएंगे, और इसी तरह से वर्क को
जो है कंटिन्यू करते हुए हम इस फ्लावर के चारों तरफ जो है इसी तरह से सेकंड राउंड बनाकर अपना कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं वर्क के एंड में आ चुकी हूँ। यहाँ पर हमारे इस तरह के पूरे राउंड में लूप बनकर जो है कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पर मैंने लास्ट 6 की चेन बनाई है और इसको बनाने के बाद देखिए जो हमने लूप बनाया था पहले वाला उसके अंदर जो है सिंगल क्रोशिये से मैं इसको इस तरह से कनेक्ट करूंगी और अब जो है इसी चेन के अंदर इस लूप के अंदर हमें जो है 8 बार डबल क्रोशिया बनाना है। जैसे मतलब हमने बॉर्डर के अंदर ये पत्ती बनाई थी सेम ऐसे ही बनानी है। तो देखिए यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 बार जो है हमने डबल क्रोशिया बना लिया है। इसके बाद 1 2 की चेन लेंगे और वापिस इस लूप में इसी तरह से 8 बार दोबारा से जो है डबल क्रोशिया बनाकर अपनी इस पत्ती को जो है कंप्लीट करेंगे। तो देखिए 8 बार हमने इस तरफ डबल क्रोशिया बनाया फिर 2 की चेन ली फिर इस तरफ, तो इस तरह से ये हमारी पत्ती जो है बनकर कंप्लीट हो चुकी है। और उसके बाद जो हमने ये 6 की चेन बनाई थी यहाँ पर हम एक बार सिंगल क्रोशिये से इसको इस तरह से बीच में ज्वाइन करेंगे और उसके बाद वापिस इस लूप के अंदर देखिए इसी तरह से अटैच करते हुए फिर दोबारा से इसी तरह से पत्ती बनाएंगे जैसे हमने पहले वाली पत्ती बनाई थी और 6 की चेन में हम सिंगल क्रोशिये से इसको ज्वाइन करते हुए जाएंगे। तो इसी तरह से बनाते हुए आप अपने इस फ्लावर को जो है बनाकर कंप्लीट कर लें और बनाने के बाद बिल्कुल थालपोस के सेंटर में जो है मैं इसको यहाँ पर स्टिच भी कर दूंगी और हमारा जो थालपोस है बनकर कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो खूबसूरत सा थालपोस है वो बनकर कंप्लीट हो चुका है और मैंने इसके सेंटर में एक मोती भी लगा दिया है एक बड़ा सा। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद हो तो आप लगाएं वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और ये देखिए ये सब जो है एक के ऊपर एक इस तरह से लाइनिंग आ रही है जैसा मैंने आपको बताया था पत्तियों की एक के ऊपर एक किस तरह से फ्रिल बनकर कंप्लीट होगी जो बहुत ही खूबसूरत लगने वाली है। और ये देखिए बनने के बाद पूरा थालपोस ये कितना खूबसूरत लग रहा है। अगर आपको ये थालपोस ये डिज़ाइन पसंद आया हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको ये थालपोस कैसा लगा। और अगर आपको थालपोस अच्छा लगा हो तो देखिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त और मिलेंगे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में एक और खूबसूरत से डिज़ाइन के साथ। तो अपना ध्यान रखिए। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।